Проверяй, 1-16, прицел 5-5. Есть! Выстрел! रूस यूक्रेन युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क पर हमला कर पुतिन को गुस्से से लाल कर दिया है, जिसके बाद से रूसी सेना बेहद उग्र हो रखी है। रूस ने हाल में लगातार दो दिन यूक्रेन पर धावा बोलकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तो वही जेलेंस्की ने अपने सैनिकों पर हो रहे हमलों के बीच बड़ा और भड़काऊ फैसला लेते हुए यूक्रेनी जनता को बड़ा झटका दिया है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की के इस फैसले से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे यूक्रेनी जनता का प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। दरअसल यूक्रेन के क्षेत्रीय भर्ती प्राधिकरण ने एक फरमान जारी कर सबको सख्ते मिला दिया है। एक नए आदेश के तहत प्राधिकरण ने अपने सैन्य कर्मियों को बड़ी ताकत देने का फैसला लिया है। इसके तहत अधिकारियों को यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ आत्मरक्षा में बल का इस्तेमाल करने का अधिकार है। क्षेत्रीय भर्ती प्राधिकरण ने बताया कि सभी सैन्य कर्मियों को अलर्ट किया गया है कि खतरे की स्थिति में घातक बल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मजाक अब खत्म हो चुका है। क्या आप चाहते थे? सब कुछ कानून के मुताबिक होगा। इस बीच वॉलिन के पश्चिमी यूक्रेनी क्षेत्र के प्रमुख कार्यालय ने भी बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों को पहले ही इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। गौरतलब है कि यह फरमान ऐसे वक्त आया है जब लुस्क शहर में एक सैन्य भर्ती कार्यालय पर हमले की कोशिश की गई थी। स्थानीय अधिकारियों की माने तो भर्ती कार्यालय को एक अज्ञात हमलावर ने निशाना बनाया था। इस दौरान हमलावर ने सेंटर के बाहर तैनात सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। हमलावर ने सैनिकों से झड़प की भी कोशिश की। ऐसे में एक सैनिक को गोली लग गई थी, जबकि हमलावर मौके से भाग गया और अभी भी फरार है। बताया जाता है कि लुत्स में गोलाबारी में शामिल सभी सैनिकों के पास युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। मोर्चे पर घायल होने के बाद उन्हें भर्ती कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। बताया जाता है कि इस घटना से सैनिक जबरदस्त खौफ में हैं। उन पर हुए अचानक हमले से वो हिल गए हैं। सैनिकों को जंगी मैदान में इतनी दूर अपने ही किसी यूक्रेनी की ओर से हमला किए जाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। माना जा रहा है कि यूक्रेन का हालिया फैसला यूक्रेनी मोबिलाइजेशन ड्राइव को और ज्यादा उग्र बना देगा। मालूम हो कि पिछले काफी समय से सैन्य कर्मियों की ओर से सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चलाने की अनुमति मांगी जा रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियोज में यूक्रेन के भर्ती अधिकारियों को सड़कों पर हमला करते हुए देखा गया, जिनको सार्वजनिक वाहनों पर छापा मारते हुए, झगड़ते हुए और दुर्व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि इस साल अप्रैल महीने में लागू किए गए एक मोबिलाइजेशन एक्ट के बाद यूक्रेनी सेना के रैंकों को फिर से भरने का अभियान तेज हुआ था। इसमें भर्ती की उम्र 27 से घटाकर 25 कर दी गई थी। प्रक्रियाओं को भी बहुत आसान बना दिया गया था। यूक्रेनी सरकार के नए नियम की वजह से हाल के महीनों में यूक्रेन से भागने वाले युवा पुरुषों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसमें देश छोड़ने की कोशिश करने वाले बड़े समूह भी शामिल हैं। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक हर दिन 100 से ज्यादा सैन्य आयु वर्ग के लोग यूक्रेन छोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्टों में ये आंकड़ा आधिकारिक डेटा से कम 3 गुना ज्यादा है। माना जाता है कि भागने की बड़ी संख्या में कोशिशें सफल रही।